अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? से उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एफबीआर में नई भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई यार एफबीआर में अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट है ये कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जॉब लवर्स की वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, और ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने इस पर अप्लाई है के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको इस तरह की वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तमाम असामियों के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अप्लाई हेयर का बटन भी देखने को मिल रहा है, तो जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर साइन अप का बटन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का यहाँ पर जो है फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल लिखना है, ईमेल लिखने के बाद उसका पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड कर साइन अप के बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है मैंने इसका अकाउंट बना लिया पहले से, तो सबसे पहले मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर डाला, उसके बाद ईमेल पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड लिख के साइन अप कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल और यहाँ पर जो है आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इस तरह का जो है आपको पोर्टल यहाँ पर देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड, सीवी, एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ सिपॉय या स्टेनोटाइपिस्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ, या LDC लॉर्ड डिविजन क्लर्क में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपने क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस आया हुआ है, यहाँ पर आपने CV जो है कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपने CV, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं CV मैनेजर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है पेंसिल का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आइकन देखने को मिल रहा है पेंसिल का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है। जो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, शनाख्त मोबाइल नंबर, बर्थ डेट और ये तमाम जो है सिंपल सा फॉर्म है, आपने इसे फिल कर लेना है। तो जैसे ही फिल करते हैं तो यहाँ पर सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ये एक यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है 300x300 की। तो दोस्तों इसे मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है, तमाम रिक्वायरमेंट्स ही मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर भी लगा दी है और यहाँ पर तमाम डिटेल्स यहाँ मैंने फिल कर दी है। फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंसिल आइकन यहाँ पर देखने वाले, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले कंट्री पूछ रहे हैं, कंट्री पाकिस्तान है, उसके बाद प्रोविंस है यहाँ पर पंजाब करेंगे जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आप सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस जहाँ से जो आपका एड्रेस है वो आपने इसे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद आपने सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर जो देख सकते हैं डिग्री, सर्टिफिकेट, नेम, इंस्टीट्यूट, उसके बाद ऐड एजुकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ऐड एंड फील्ड एक्सपीरियंस जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर तमाम रेलिवेंट फील्ड के रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड एंड फील्ड पे बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद जो इसे फिर फिल कर देना है। तो हमारा जो है यहाँ पर क्राइटेरिया जो है 65% जो है हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपने इसे फिल कर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी क्राइटेरिया मैं इसे फिल कर लेता हूँ। इसे फिल करने के बाद ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 90% जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। और लास्ट में अगर यहाँ पर जो बचता है वो यहाँ पर स्किल है, स्किल उसके बाद ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और लैंग्वेज, मैं इसे फिल कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 100% जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। तो हमने अपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर होम के बटन पर आएंगे। होम के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बैक आना है।
बैक आने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ तमाम असामियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं जिस असामी पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं अगर सुपॉय पर अप्लाई करता हूँ तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया मैं सुपॉय पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का अधिकार बताओ। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में फिर पूछ रहा है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बताएं, तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ का यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस ही वाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप सीवी मैनेज पर वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ। तो यहाँ पर मुझे देख सकते हैं ये मुझे मिल चुका है, यहाँ पर मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने ऐड फील्ड के यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपने फिर होम पर आना है, होम के बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैक आएंगे, तो जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तमाम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आई हैव रीड दिस एग्री यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद जो है यू आर एलिजिबल क्लिक टू अप्लाई। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे करना है अप्लाई, तो ये तमाम प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो इसी तरह जो है जिस असामी पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वापस आता हूँ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है सिपॉय पे। तो यहाँ पर जो है आपको ये फॉर्म यहाँ पर व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फॉर्म जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैंने फिल किया तमाम रिक्वायरमेंट्स फिल करने के बाद जो है इसी तरह अप्लाई करना है, तो जिस समय पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, हो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दो, इससे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं सिंगनी वडो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।